नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जीके कोच में। तो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हिस्ट्री का मॉक टेस्ट का पार्ट फोर। इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सभी को प्लेलिस्ट में ऐड किया है, वहां से सारे मॉक टेस्ट को आप एक एक करके लगा सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहां से सारे क्वेश्चंस को आप सभी देख सकते हैं, सारे मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। अन्यथा आप सभी कर सकते हैं क्या कि प्लेलिस्ट का जो कि लिंक है शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप से, वहां से आपको आसानी पड़ेगा, जब भी जरूरी पड़ेगा उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे आके मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे मॉक टेस्ट के 3 में कि 22 नंबर क्वेश्चन गलती है। जी हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन गलती था, क्योंकि पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था ये समझौता। तो आगे चल के देखेंगे सबसे लास्ट में उस क्वेश्चंस को पूरे डिटेल से बताएं, सारा कन्फ्यूजन लास्ट में क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चंस को आप सभी सॉल्व कर पा रहे। तो चलिए आज के इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो इसके राइट से ऑप्शन में भी जाएंगे हिंद स्वराज, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसके राइट से ऑप्शन में सी जाएंगे रॉलेक एक्ट का पारित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? तो यह घटना था तुर्क में क्रांति के कारण खिलाफत आंदोलन असफल हुआ था। ऑप्शन में से इसका राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने क्वेश्चन बता रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप सभी मिस नहीं करेंगे। जिसे क्वेश्चन का आंसर पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते जाएंगे, अगर नहीं पता हो तो क्वेश्चन को याद कर जाएंगे आप सभी। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? तो देखिए इसका राइट से ऑप्शन में डी जाएंगे अष्ट प्रधान। शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या रखा? अष्ट प्रधान रखा था, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो इस संधि पर जो हस्ताक्षर किया था यह बाजीराव द्वितीय ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? तो यह किया था लॉर्ड विलेसले ने, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो इसके राइट से ऑप्शन में भी देंगे चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता का अवशेष मिले थे? तो ये कहां मिले थे? लोथल में मिले थे। लोथल कहां है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किस नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखेंगे आप सभी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसके राइट से ऑप्शन में जाएंगे टेराकोटा का प्रयोग करते थे हड़प्पा वासी, जो कि मुद्राओं को बनाने के लिए किस द्रव का उपयोग करते थे? टेराकोटा का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था किसके बीच में? तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ था। यह किसके बीच में हुआ था? अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अहमदा शाह अब्दाली का जीत हुआ जबकि मराठों का बुरी तरह से हार हुआ था। ऑप्शन में से इसका राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? और जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाता है, तो वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलेंगे आप सभी। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, अन्यथा आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं है, तो आप सभी गलती क्या करते हैं, जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो आप सभी घंटी को प्रेस नहीं करते, तो आप सभी घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटी बनकर आता है, उस घंटी पर क्लिक कीजिएगा तो एक आयरो बनकर आएगा घंटी पे, ऑल नोटिफिकेशन लिखा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, याद रखिएगा आप सभी।
तो जो भी घंटी का ऑल नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं तो ठीक है, या नहीं किए तो जरूर कर दीजिए आप सभी। तो इसके राइट से ऑप्शन में भेजेंगे जहांगीर के शासन काल का प्रसिद्ध चित्रकार थे ये, नोट करेंगे ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो ये जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो उस समय का जो कि गवर्नर था वह लॉर्ड हार्डिंग्स था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए याद रखेंगे आप सभी, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो देखिए इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चौथी बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान शाखाओं में बौद्ध धर्म जो कि विभाजित हो गया था, और ये चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी, कश्मीर में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपने प्रजा में धर्म का प्रचार किया? तो इसके राइट से ऑप्शन में डी जाएंगे, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अशोक ने क्या किया? धर्म का प्रचार किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम तेराइन का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा आप सभी, तेराइन का दो युद्ध हुआ था, और दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो यह युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था, ना कि ईसा पूर्व में, ईस्वी कर लीजिएगा, 1191 ईस्वी में तेराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जबकि लगले दूसरे वर्ष 1192 में तेराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तेराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी का हार हुआ था, और तेराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। यह स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का ने की थी, ये दोनों भाई थे। इसकी राजधानी कहाँ है विजयनगर की? हम्फी इसकी राजधानी है, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है इनमें से? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, लाला लाजपत राय, थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो देखिए इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो आप सभी से जब भी क्वेश्चन पूछ लेगी अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह इसका राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कई बार आप सभी को बता चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल सभी फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे आप सभी। यह कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? AOMU के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व क्यों रखा जाता है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो देखिए इसके राइट से ऑप्शन में से हो जाएंगे, तांबा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, अगर आप सभी रेगुलर मेरा क्लास किए होंगे तो आप सभी निश्चित इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो ये एक शहरी सभ्यता थी, नोट करेंगे आप सभी। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता थी, याद रखेंगे आप सभी, क्वेश्चन को भुलाएंगे नहीं और कन्फ्यूजन में गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन को आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, मौर्य सम्राट के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो अगर भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने की बात कर रहा है तो इसके राइट से ऑप्शन में ये हो जाएंगे, विक्टोरियन ग्रीक ने किया था, जब मौर्य सम्राट ध्वस्त हो रहा था तो उस समय जो कि विक्टोरियन ग्रीक ने आक्रमण किया था भारत पर सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेंगे।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। उदयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिहाली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है ये उदयन के संबंध में। उसने गंगा एवं गंडक नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे मगध की राजधानी बनवाई, ये भी सही है। उसने उज्जैन के राजा को अनेक बार पराजित किया, ये कथन उदयन के संबंध में असत्य है। उसके बाद मगध के हर्यक वंश का कोई उल्लेखनीय शासक नहीं हुआ था, ये भी सही है। असत्य क्या है? उसने उज्जैन के राजा को अनेकों बार पराजित किया था, ये उदयन के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। चले नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये मॉक टेस्ट 3 का है, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन गलती थे। तो यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी, क्वेश्चन वहां क्या था, असत्य की जगह वहां सत्य लिखा गया था, इसी कारण से क्वेश्चन गलती हुआ था। यह मिस्टेक से कारण गलती हुआ था, यह मिस्टेक के कारण गलती हुआ था, जान के गलती नहीं किया गया था। तो आप सभी याद रखिएगा, पुनः समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, वहां सत्य लिखाया हुआ था, इसी कारण से गलती हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था, यह कथन असत्य है, क्योंकि पुनः समझौता जो हुआ था यह महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर ए असत्य है पुनः समझौते के संबंध में। सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कथन सत्य हैं पुनः समझौते के संदर्भ में। वीडियो को पॉज करके सही से समझ लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन आपको करना पड़ जाएगा। चलिए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हुए। आज का ये मॉक टेस्ट आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। स्टडी सेंटर जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आप सभी, अन्यथा क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।